फायदेमंद होता है रोजेदारों के लिए? देखिए, जब भी हम लोग रोज़ा रखते हैं तो दिन भर की एक फास्टिंग होती है। आप जानते हैं कि पेट में एसिड बनता है कि नहीं? तो पूरा बॉडी एसिडिक होने लगेगा। और शाम को जब हम लोग रोज़ा तोड़ते हैं, उस समय हमारी ज़रूरत क्या होती है? एक ऐसे चीज़ को जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन के लिए ही हम लोग पीन खजूर लेते हैं, जो कि पीन खजूर जो है वो अल्कलाइन है। तो जैसे ही हम लोग उसको लेकर के थोड़ा पानी पीते हैं, बॉडी में जितने एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है। और इसी के लिए ये हम लोग के यहाँ बना हुआ है कि जब भी रोज़ा को तोड़ा जाए उस समय पानी के साथ खजूर पहले लिया जाए, फिर बाकी चीज़ हम लोग बाद में लेते हैं। क्योंकि उस समय वो लेकर के हम लोग फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर लौट के जब आते हैं तो मोस्टली जो है हम लोग जो भी फ्रूट्स लेना है वो अल्कलाइन लिया जाता है। और जहाँ गरीब लोग रहते थे, इसी के लिए हमारे के यहाँ बना हुआ है कि कुछ नहीं, जो चना है उसको आप घुरा दो और उसको लो। क्योंकि चना या मूंग जो भी है, इस अनाज को जब हम लोग अकुड़ा देते हैं तो ये अल्कलाइन हो जाता है। और ये जब आप खाएंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी। नहीं तो एसिड लेन ऐसे है और ऊपर से और आप पूरा जो है तला छना खा लिया तुरंत, तो वो एसिड बढ़ा देगा। रोजा तोड़ने के इसलिए रोज़ा तोड़ते समय हम लोग पीन खजूर पहले लेते हैं कि दो भी ले लिया तो चलिए कम से कम हमारा जो है एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। और नमाज़ पढ़ने के बाद हम आ करके पहले फल ले लेते हैं। कौन सा फल खाएंगे? जो भी अल्कलाइन फल है, सेब है, अंगूर है, संतरा, संतरा नहीं, ऑरेंज नहीं है, आम भी है, इस तरह का, माने जिस समय सीजन के अनुसार हमारे पास बराबर अल्कलाइन फूड आता है। और कुछ नहीं है तो अकुरा हुआ अनाज तो है ना, उसको चना ले मूंग खा लेते हैं, सकते हैं। चना ले सकते हैं। क्योंकि पहले भी जो गांव में जहाँ बहुत फल नहीं मिलता था तो हम लोग क्या करते थे, उसी चना को लेते थे। फिर बाद में फिर ये माने रात में हम लोग खाना खाते थे दूसरी चीज़।